मैं वहाँ रही हूँ, पली बड़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे। मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है, तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलते। जो मेरे पापा थे कभी जिंदा थे, उनकी अपनी आंखों के आगे मौत देखी। अरे सर बात होते थे, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान। तो जस्ट फ्रेंड थे हम तब, सिर्फ खाली दोस्ती ही थी हमारी। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी। ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है। तसव्वुर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी कर रहा है तो आधा तो यही खुशी थी इनसे बात करने की, मैं इंडिया के किसी लड़के से बात कर रही हूँ। तो इसी में मतलब होते होते हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात भी हमारी बात होती रही है। कोई प्रेशराइज नहीं करा। और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाया। मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। हमने नेपाल में शादी करी है, मेरी इंस्टा की आई डी है सत्ती मीनू, उसमें हमारी वीडियो पड़ी हुई है। बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, जो 3 दिन का सफ़र था। बड़ी लड़की उल्टियाँ करती है बहुत ज़्यादा मेरी, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया मुझ पर। हमारे पाकिस्तान में भी ये यही था कि अगर 18 साल से बड़ी लड़की अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकती है, वो आज भी पाकिस्तान में चल रहा है। 18 साल से बड़ी हर जिंदगी अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती है, तो मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। और ये भी है, ये भी नहीं है कि आप मैं औरत हूँ तो मैं आदमी से तलाक नहीं ले सकती। मैं औरत भी नोटिफिकेशन भेजती है आदमी को तलाक की। मैं इनको भी कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ सचिन की, उनको बहन को और छोटी बहन को, भाई को भी कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों का मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, खास करके ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा ही नहीं है। मैं घर से बस अभी जो इनसे प्यार के चक्कर में मैं बाहर ये घूमना शुरू करा, पासपोर्ट बनवाए, मैं ज़िंदगी में मैं बाहर जाने की भी अलाउ इजाज़त नहीं होती सर। मैं एक मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली से हूँ, मेरे कोई फैमिली हाई फाई नहीं है, मैं इतनी एजुकेशन भी नहीं हूँ। हाँ मैं थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी के शब्द ऐड कर लेती हूँ, इसका मतलब नहीं कि मुझे सारी इंग्लिश आती है। आप 2 लाइन इंग्लिश अपने साथ से बोलवाते थे, मैं उतना नहीं लगूँगी फिर, नहीं वापस नहीं जाऊँगी सर कभी, ऐसा नहीं याद नहीं आता। याद तो आएगा, गायन जो इंसान जहाँ रहता है तो पिछली पुरानी यादें सबको याद आती हैं, पर मैं वापस कभी नहीं जाना चाहूँगी सर। और मैं वहाँ पाकिस्तानी